हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला एक बेहतरीन थीम जो आप अपने अभी तक अपने शॉमी वीडियोस में अभी तक ट्राई नहीं किया होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस थीम को जो आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। मैं इसके लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको थीम अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा थीम कैसा था। तो आप बिना टाइम हमारे आज की वीडियो को शुरू कर दोस्तों पहला इंटरफेस आता है लॉक स्क्रीन का। दोस्तों अगर आप इसको लॉक स्क्रीन पर देखेंगे और ध्यान देंगे इसमें बहुत ही हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से एनिमेशन क्रिएट होकर आता है। तो अब इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं और कलर में मिलते हैं, जिसके आपको रेड मिलता है और एक कलर मिलता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो एनिमेशन कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पर साइड में क्लिक करते हैं और यहाँ पर कलर जो रेड और ब्लू सेलेक्ट करते हैं या फिर रैंडम सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन कुछ इस तरह से नया क्रिएट होगा रहेगा। अगर आप इसमें कुछ अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप अपना मनपसंद टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लॉक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूनिक व्यू में आपको एक नया एनिमेशन क्रिएट होकर दिखाई देगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगा। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट जो लिखा होगा ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। अगर आप स्वाइप अप कर दें तो आप लॉक स्क्रीन यूजली डिफॉल्टली ओपन हो जाएगा। अगर आप इसका स्टेटस बार देखेंगे तो आपको आईफोन टाइप दिखेगा, और स्टेटस बार के अंदर देखेंगे तो आइकॉन्स टाइप भी दिखेगा और कलर्ड आइकॉन्स के साथ मिलेगा। तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन इसमें ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। अगर आप इसका रिसेंट ट्रे देखेंगे जो कि एप्पल की जैसे आपको दिखाई देगा, जो कि आपको राउंडेड कॉर्नर के साथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फोन डायलर के बारे में। आपको फोन डायलर भी आईफोन टाइप मिलेगा और इसमें क्या खास बात है दोस्तों इस वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप मैसेजिंग आपने जो थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इमेज के साथ आपको दिखाई देंगे जो भी आपको मैसेज आते हैं, कंपनी से आते हैं, फिर अपने रिलेटिव आते हैं। और सेटिंग की बात करें आपको आईफोन के टाइप आपको कैटेगरीज में डिवाइडेड मिलते हैं और कुछ इस तरह से आपको आइकॉन्स के कलर मिलते हैं। और आप बात करते हैं इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर के बारे में, इसमें आपको मिलता है यूट्यूब जो कि ब्लैक एंड व्हाइट दोस्तों, लेकिन सिर्फ आपको यूट्यूब को लोगो ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, ज़्यादा कुछ अंदर का आपको डिफॉल्ट जो यूट्यूब प्रोवाइड करता है उसी की तरह आपको मिलेगा, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ यूट्यूब के बजाय आपको लिखाई देगा यूट्यूब अल्टीमेट, जो कि आप अपने फ्रेंड को चौंका सकते हैं ये दिखाकर कि आपके पास जो यूट्यूब अल्टीमेट का पावर आ चुका है, क्योंकि ये मेरे लिए थीम का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप इसके सेटिंग पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको होम स्क्रीन लेआउट आपको 5x7 आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। और आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों, बिना ऐसे चले जाते हैं आप सब तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, तो बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसका थीम का लिंक जो प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे तो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो साइड में आपको नोटिफिकेशन मिल आपको मिलता है उसको भी एनेबल कर दीजिएगा। हम फ्यूचर में भी ऐसे अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए कमाल के थीम और एंड्रॉइड की ट्रिक के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना और हमारा भी, तो सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों।